प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं हिमाचल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि अगर गांधी परिवार ने कुछ गलत नहीं किया तो आखिर कांग्रेस पार्टी को किस बात का डर है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय अपना काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय स्वायत्त संस्था है और आवश्यकता अनुसार किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम देकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह को भी अपमानित कर रही है, जो देश की आजादी के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मामले को लेकर बेवजह की राजनीति कर रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बेवजह की राजनीति करने के आरोप लगाए। एक और तो कांग्रेस पार्टी उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा के खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा पूछताछ की जा रही है, उसके खिलाफ जो हल्ला बोल या प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे, क्योंकि सब जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेषकर गांधी परिवार, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त है। कोर्ट ने भी इस मामले में प्राइमा फेसी भ्रष्टाचार होने की आशंका व्यक्त की है, और ये उसी समय हुआ जब देश में यूपीए की सरकार थी। और वैसे भी हम सब जानते हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खाते से 90 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के ट्रस्ट को दिए गए और वो लोन फिर माफ किया गया, उनके कोषाध्यक्ष मोतीलाल बोहरा, नेशनल हेराल्ड के ट्रस्ट जिसके अध्यक्ष मोतीलाल बोहरा उसको लोन देते हैं और फिर वो कोषाध्यक्ष मोतीलाल बोहरा वो लोन माफ करते, स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। और मैं इस मामले को और भी गंभीर इसलिए मानता हूं कि राजनीतिक दलों का फंड कार्यकर्ताओं द्वारा, देश की जनता द्वारा एकत्रित होता है। कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं ने सरकारों में रहते हुए तो घोटाले किए ही, भ्रष्टाचार किया ही, परंतु संगठन में भी कार्यकर्ताओं और जनता के पैसे की लूट की है। इसलिए इस मामले पर प्रदर्शन करना या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने उन राष्ट्रीय नेताओं का बचाव करना जो उनके ही पैसे की लूट करते रहे, बहुत ही हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और मानती है कि अगर कांग्रेस नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया है तो घबराने की आवश्यकता क्यों है। इस तरह प्रदर्शन करके एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी संस्थाओं को प्रभावित करने की आवश्यकता क्या है। पूछताछ होने दीजिए, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो साफ तौर पर बाहर आएंगे, और अगर उन्होंने गलत किया है तो चाहे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने भी प्रदर्शन कर लें, जो भी सत्याग्रह कर लें, वो बच नहीं पाएंगे।